हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पहले 40 क्वेश्चंस विजन आईएएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ टेस्ट 1 पॉलिटी का जो पार्ट था उसमें डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 41 ऑनवर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन जो है ये कहता है कि इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया देन पावर टू स्पेसिफाई दैट पीपल ऑफ अ फॉरेन टेरिटरी शैल बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज़ वेस्टेड इन। अगर फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है जो आर्टिकल 3 में क्लियरली मेंशन है, तो वहाँ के जो लोग फॉरेन टेरिटरी जो हमने फॉरेन टेरिटरी कब्ज़ा कर ली होगी तो उसके रिलेटेड जो पावर है वो किसके अंडर में होगी। तो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में होती है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 17। इट एबॉलिशेज अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। बिल्कुल सही है ना, यही तो इसकी स्टेटमेंट है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड। अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया, इट इज़ और इंटरप्रिटेशन कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है, तो गलत हो जाएगा। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये सही है, 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है बी सही सामने निकल जाएगा। डार्क जेनोम इज़ ऑफन सीव्स इन न्यूज़ इज रेफर टू। डार्क जीनोम का मतलब यही होता है कि दोज रीजन्स ऑफ DNA विच वी हैव अबाउट विच वी हैव मिनिमल नॉलेज एंड हुज बायोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट नोन मच। तो इसीलिए इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है ए निकल गया आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 1/2 ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द कमीशन शुड बी पर्सन्स फ्रॉम SC ST एंड OBCs। ऐसा नहीं है, मेम्बर ऑफ SC कैन बी रिमूव बाई द गवर्नर। गवर्नर उनको रिमूव नहीं करता, उनको प्रेजिडेंट रिमूव करता है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, ये वाला नीदर 1 नॉर 2। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन्स कमिटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज इज द क्राइटेरियन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। धार कमीशन GVP कमिटी फैसला 1956 ऑनवर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बाद ये कमेटी फॉर्म हुई थी। तो हमें बताना है कि लैंग्वेज एज अ प्रिंसिपल को किसने अडॉप्ट किया। तो इट वाज ओनली फैजल अली कमीशन जिसने लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, बाकी दो ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। तो फैजल अली कमीशन ने इसमें लैंग्वेज के बारे में बात करी थी कि स्टेट शुड बी रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड SHRC आर अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। 46th पार्ट, नहीं, इनको प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करता है। ओनली द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव, ये बिल्कुल सही बात है, विच आर द करेक्ट। तो रिमूव वो करते हैं बट प्रेजिडेंट इनको अपॉइंट नहीं करता है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा। Then moving on to the next question, a religious denomination must satisfy which of the following necessary condition in order to exercise the freedom to manage religious affairs under Article 26. ठीक है, group of individual with the system of belief, हाँ, a group with a common organization, बिल्कुल ठीक, collective has a distinctive name, the group has a religious text of its own, ये ज़रूरी नहीं, a leader who preaches a distinct doctrine, नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज दैट आर एनश्राइंड इन Part 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, हाँ ये बात है हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, नहीं ये चीज़ नहीं है मेंशन। टू पे टैक्सेस टू कास्ट वोट, नहीं ये सारी चीज़ें नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 48 का जो है ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सोशलिस्ट स्टेट ये भी हमारा है, और प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे जो है दिस आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ
बेसिक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉमन टू बोथ इंटरेस्ट ग्रुप एंड पीपल मूवमेंट बोथ अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स विदाउट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। हाँ यही तो करते हैं ये लोग, है ना, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, डायरेक्टली हमें दिखता नहीं बट इनडायरेक्टली, है ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। बोथ है लूज ऑर्गेनाइजेशन विद डिसीजन मेकिंग इन फॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल, बोथ है लार्जली डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन। नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, इसमें परमिशन प्रेसिडेंट की रिक्वायर नहीं होती, वो मनी बिल में होती है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्ड मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाई ए सिंपल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होते, इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, तो नीदर वन नॉट हुआ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। नहीं, इट ऐसा नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगन। नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पहला यूएसए है ना। प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव्स क्लैरिटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये क्लैरिटी हमें देता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन, इसका मतलब यही होता है कि आर्टिकल 359 के अंडर जब भी प्रेसिडेंट अपनी पावर एनफोर्स करता है तो प्रेसिडेंट एम्पावर हो जाता है टू सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 19 एंड 20। उसके अलावा सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। जीनो ट्रांसप्लांटेशन रिसेंटली रेफर्ड इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स एमंग डिफरेंट स्पीशीज, है ना। जीनो ट्रांसप्लांटेशन, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स एमंग डिफरेंट स्पीशीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मार्शल लॉ इन इंडिया, मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल, है ना, अभी तक तो लगा नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 34 डिफाइंस मार्शल लॉ। नहीं, मार्शल लॉ अभी तक लगा नहीं हो, ना ही इस चीज़ को डिफाइन किया गया। बोथ मार्शल लॉ एंड नेशनल एमरजेंसी कैन बी इम्पोज इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ट्रू, दे कैन बी इम्पोज ऑन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इसलिए टू हमारा सही हो जाएगा। विद रेफरेंस टू एस सी एंड एस टी वाइल इम्प्लीमेंटिंग रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टेट इज ओबिलाइज टू कलेक्ट क्वान्टिफाइबल डाटा शोइंग द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, स्टेट ओबिलाइज इनका डेटा कलेक्ट करने के लिए। असेसमेंट ऑन द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरीज इज प्रमोशनल, नहीं, इट इज़ नॉट लेफ्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इज लेफ्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वन सही हो जाएगा। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1806 इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। हाँ, 1861 से ही पावर टू इशू ऑर्डिनेंस आई है, जैसे प्रेसिडेंट आर्टिकल 100 आर्टिकल 123 और गवर्नर 213 के अंडर आपने किया है ऑर्डिनेंस पावर एग्जर्ट करता है, तो पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ इंडिया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ वाइसराय काउंसिल, तो इसीलिए जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। द नेम ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी एक्ट ऑफ 1858 से आया था, 1861 से नहीं आया था। द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक्सप्रेशन एक है यूनियन ऑफ इंडिया और एक होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया में स्टेट्स आती हैं, है ना, और जब टेरिटरी की बात करते हैं तो उसमें यूनियन, इसमें तो स्टेट्स आएगा, है ना, यूनियन में, लेकिन जब हम एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर, इन तीन चीज़ों की बात करेंगे जब हम इंडियन फेडरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर जो है वो ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी। नहीं, द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हाँ, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट,
तो इसमें हमें क्या कहा गया है, विच आर द फॉलोइंग डिफाइनिंग फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री, डिवीजन ऑफ पार्लियामेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो नहीं, इसीलिए हमारा द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर सेकेंड आएगा, है ना, तो सेकेंड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट विद रेफरेंस टू राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू प्रॉपर्टी, तो इट इज़ ए लीगल राइट, इट कैन बी कर्टेल्ड बाई एन ऑर्डनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, हाँ इसको कर्टेल किया जा सकता है, इन केस ऑफ वायलेशन द अग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्समेंट, नहीं ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है, ना कि लीगल राइट के लिए, तो इसलिए हमारा थर्ड जो है गलत हो जाएगा, हमारा सही आंसर A 1 एंड 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।